जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। गुरुवार को आतंकियों ने सेना को एक बार फिर निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में 7 जवान घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और महाराष्ट्र सरकार पर जमकर हमला किया। राम मंदिर के मुद्दे पर उन्होंने कहा, रावण हर साल आता है लेकिन राम मंदिर नहीं आता। पीएम मोदी का नाम लिए बिना ठाकरे ने कहा कि धनुष और बाण उठाने के लिए कुछ इंच की छाती नहीं, हिम्मत चाहिए। रामलीला का मंचन इन दिनों देश के हर छोटे बड़े इलाकों में किया जा रहा है, लेकिन इन सब में सबसे मशहूर है दिल्ली के लाल किले में होने वाली रामलीला। इस बार भी लाल किला की रामलीला में सिने और राजनीति जगत के कई दिग्गज अभिनय कर रहे हैं। गृह युद्ध की आग में झुलस रहे अफगानिस्तान के कंधार में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। गुरुवार को कंधार के गवर्नर, पुलिस चीफ और इंटेलिजेंस चीफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि गवर्नर के सुरक्षा गार्डों ने ही यह हत्या की है। नकदी के संकट से जूझ रही पाकिस्तान सरकार ने बुधवार को 49 और सरकारी वाहनों को नीलामी के लिए रखा था। उनमें से 19 बुलेट प्रूफ कारें शामिल रही। इसमें सिर्फ एक कार की नीलामी ही सफल रही। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे एनडी तिवारी का निधन हो गया है। उन्होंने दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। एनडी तिवारी का निधन उनके जन्मदिन के दिन हुआ। राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए अब सोशल मीडिया वॉर शुरू हो गया है। धौलपुर में बीजेपी नेता ने सोशल मीडिया पर पोस्टर डालकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को मां दुर्गा का अवतार बताया, लेकिन इस पोस्टर में वसुंधरा को कांग्रेस विधायक का वध करते हुए दिखाया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजी अकबर द्वारा पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ दायर बहुचर्चित मानहानि मामले की पहली सुनवाई के दौरान बृहस्पतिवार को पटियाला हाउस जिला अदालत परिसर के छोटे अदालत कक्ष में पत्रकारों, वकीलों और दर्शकों की अच्छी खासी संख्या मौजूद थी। मीटू के समर्थन में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि इन आरोपों की कायदे से जांच होनी चाहिए। उन्होंने महिलाओं से अपील की है कि वो आगे बढ़े और ऐसे पुरुषों का थप्पड़ मारे। शिवसेना प्रमुख ने महिलाओं को न्याय दिलाने में केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर भी सवाल किए। राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता लगातार दूसरे दिन भी गुरुवार को बहुत खराब रही। इस बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने औचक निरीक्षण करने के लिए 6 सदस्य एक टीम गठित की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि हमारा फ्रांस के साथ बेहद ही मजबूत संबंध बरकरार है। मैं कह सकता हूं कि इससे हमारे संबंधों पर कोई असर नहीं डाला। नकदी संकट से जूझ रही सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया ने राष्ट्रीय लघु बचत कोष से 1,000 करोड़ रुपए जुटाए। एयर इंडिया अधिकारी ने कहा कि हमें पिछले सप्ताह NSSF से कर्ज के रूप में 1,000 करोड़ रुपए मिले हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC श्रीलंका क्रिकेट में भ्रष्टाचार की गहरी पैठ की जांच करने में लगा है, लेकिन इसके भ्रष्टाचार विरोधी इकाई के अधिकारी ने दावा किया है कि इस तरह की भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल ज्यादातर सट्टेबाज भारतीय हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिन गेंदबाज दानिश कनेरिया ने स्वयं पर लगे स्पॉट फिक्सिंग के आरोपों को स्वीकार कर लिया है। वेबसाइट ESPN रिपोर्ट के अनुसार इस आरोप में दानिश के एक्सेस टीम के पूर्व साथी खिलाड़ी मेलविन वेस्टफील्ड भी शामिल थे। अबुधाबी टेस्ट मैच में एक ऐसा रनआउट देखने को मिला जिसने दर्शकों के होश उड़ा दिए। दरअसल हुआ यूं कि अजहर अली ने ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पीटर सीडर की गेंद पर ऑफसाइड में शॉट खेला और रन के लिए दौड़ पड़े। गेंद सीधे बाउंड्री के पास चली गई। ये सोच कर बात करने लगे कि गेंद बाउंड्री लाइन के पार जा चुकी है।
महाराष्ट्र के लासलगांव मंडी में थोक प्याज की कीमत पिछले कुछ दिनों में 50% की बढ़ोतरी हुई है। प्याज की कीमत बढ़ने की वजह से राज्य में सूखे जैसे हालात है, जिससे इस साल प्याज की पैदावार कम रहेगी। अब जल्द ही मोबाइल वॉलेट जैसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के बीच आपस में मनी ट्रांसफर हो सकेगा। आरबीआई ने इसके लिए अंतिम गाइडलाइन जारी की है। आरबीआई ने कहा कि डिजिटल वॉलेट कंपनियां चाहे तो अब सरकार समर्थित पेमेंट नेटवर्क का प्रयोग कर सकती है। दिग्गज अभिनेत्री सोनिया राजदान का कहना है कि मीटू मुहिम यौन उत्पीड़न के खिलाफ सकारात्मक बदलाव लेकर आया है, लेकिन उन महिलाओं का आकलन नहीं किया जाना चाहिए जिन्होंने इसे लेकर अपनी आवाज नहीं उठाई। नाना पाटेकर ने तनुश्री दत्ता के लगाए सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों का जवाब सिने एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन को भेजा है। नाना पाटेकर का कहना है कि उन पर लगाए सभी आरोप बेबुनियाद हैं और झूठे हैं। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि वो तनुश्री के खिलाफ लीगल एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। तनुश्री ने अपने साथ हुई घटना के लिए नाना पाटेकर का नाम लिया था। अब महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने इस मामले में नाना पाटेकर पर अपना पक्ष रखा। राज ठाकरे ने कहा कि मैं नाना पाटेकर को जानता हूं, वो कई चीजें संगीत तरीके से करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। कोर्ट इस मामले में अब फैसला करेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने सुझावों को हमें कमेंट के जरिए भेजें।